नमस्ते नमस्कार हेलो प्रिय, तो उम्मीद है यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली जबरदस्त। और स्वागत है आपका आपके अपने नए यूट्यूब चैनल ट्रैवलॉगर शेखर में। और आज एक नई जर्नी की शुरुआत हो गई है और मैं लंदन से जा रहा हूँ नीदरलैंड्स, और वो भी बाय बस। और मेरे पीछे ये विक्टोरिया स्टेशन, विशाल का विक्टोरिया स्टेशन। सो मिलते हैं बस में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। हेलो पीप्स, सो पहुँच चुका हूँ मैं बस स्टेशन। बहुत ही बड़ा बस स्टेशन है, बिल्कुल टाइम पे पहुँचा हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ टाइम निकाल के आइए। और ये है मेरी बस रोटरडैम के लिए, यहाँ से जाएगी। तो अंदर बैठते हैं और जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली बस में बैठ गया हूँ, बस निकल गई है, लंदन से स्टार्ट हो गई है और मैं उतरूँगा रोटरडैम। यूरोलाइंस की ये बस है। मैंने फ्लिक्स बस से टिकट बुक की थी और ये उनकी ऑथराइज्ड यहाँ के लिए बस है। वैसे तो फ्लिक्स बस बहुत ही पॉपुलर है पूरे यूरोप में, बट यहाँ से यूरोलाइंस जाती है और मुझे उतरना है रोटरडैम। ये आगे एम्स्टर्डम भी जाएगी, इससे पहले भी स्टॉप है शायद फ्रांस में होगा और बेल्जियम में भी होनी चाहिए शायद। तो लगभग 10 घंटे की जर्नी होगी ये बस की। और मुझे ये टिकट पड़ी है 22 पाउंड की, लगभग 2000 रुपये की। और लंदन से जब निकलेंगे तो इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद में आगे का सफ़र रहेगा, फिर आगे बस जाएगी ट्रेन में और ट्रेन जाएगी पानी में। Every day I'm looking for a way to return to the time when everything was easy to learn. Don't know when it started to get so serious. Building up an illusion of a world full of trust. Moving on. So yahan pe abhi ek break hua hai, पासपोर्ट चेक हुए हैं और 20 मिनट का ब्रेक है। तो एयरपोर्ट जैसा सीन है यहाँ पर ही, बस स्टॉप पे खाने पीने का सारा आइटम यहाँ पे, कॉफ़ी शॉप्स, शॉपिंग के लिए टॉयलेट्स वगैरह सारे कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो पासपोर्ट चेक के बाद में बस में वापस बोर्ड होना है। अब देखते हैं इमिग्रेशन, इसे ही इमिग्रेशन ये बोलते हैं या आगे इमिग्रेशन आगे होगा। पासपोर्ट चेक तो हुआ है और वहाँ पे कैमरा भी अलाउ नहीं था। लेट्स सी क्या होता है, आगे देखते हैं। बॉर्डर पे सिर्फ पासपोर्ट चेक हुआ, एग्जिट का स्टाम्प नहीं लगा। और जस्ट हमने पासपोर्ट चेक करके क्रॉस किया तो फ्रांस की तरफ से इमिग्रेशन ऑफिसर्स बस में आए, सबके पासपोर्ट कलेक्ट करके ले गए और फिर वापस दिया। तो देखा मैंने अपने पासपोर्ट में फ्रांस की तरफ से एंट्री का स्टैम्प लगा हुआ है। मेरे ऑल्दो मेरे पास नीदरलैंड का शेंगेन वीज़ा है, तो शेंगेन वीज़ा सारी 26 कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो बहुत सही लगा ये कि कोई सवाल नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने, कुछ भी बताने नहीं किस लिए आए हैं आप, कोई पैसे शो नहीं करने, कोई बुकिंग शो नहीं करनी। और ये बस है जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लंदन से रोटरडैम।
22 पाउंड में ये मुझे पड़ी है, सबसे चीपेस्ट है, सबसे चीपेस्ट ऑप्शन यही है। आप ट्रेन में आ सकते हैं, आप फेरी भी ले सकते हैं लंदन से आने के लिए, और इवन आप अपनी कार भी लेके आ सकते हैं। ये ट्रेन इतनी विशाल का ही है कि डबल डेकर बसें इसमें आती है, और इसके फर्स्ट कैरेज और लास्ट कैरेज में टॉयलेट भी है। ऑल द टॉयलेट तो बस में भी है, चार्जिंग फैसिलिटी है, चार्जिंग डॉक्स लगे हुए हैं, रिक्लाइनिंग सीट है, यूरोलाइंस की है ये बस, और मैंने फ्लिक्स बस से बुकिंग की थी और फ्लिक्स बस ने यूरोलाइंस में मुझे भेजा है, तो बहुत अच्छी बस है और लगभग 10 घंटे की जर्नी होने वाली है लंदन से रोटरडैम के लिए। रोटरडैम आपको बता दूँ, रोटरडैम एम्स्टर्डम के बाद में नीदरलैंड्स की सबसे बड़ी सिटी है और सबसे बड़ा सी पोर्ट है यूरोप का। रोटरडैम में बहुत सालों पहले पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट वहीं हुआ करता था, फिलहाल यूरोप का सबसे बड़ा सी पोर्ट है, और वहाँ पे कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं रोटरडैम जा रहा हूँ। रोटरडैम द हेग से भी नज़दीक है, बहुत नज़दीक है द हेग से, आई थिंक 30 किलोमीटर से, और बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है रोटरडैम से एम्स्टर्डम की। ट्रेनें जाती रहती है रोटरडैम से एम्स्टर्डम, तकरीबन 1.5 घंटा लेती है, तो आप आराम से कवर कर सकते हैं 3 जगह, रोटरडैम, द हेग और एम्स्टर्डम एक ट्रिप में। फिलहाल तो मज़ा ले रहा हूँ मैं इस ट्रेन राइड का, जो बस जर्नी थी ट्रेन जर्नी में बदल गई है। ट्रेन से बाहर आ गए हैं, टनल से बाहर आ गए हैं, और बस ने रख दिए हैं अपने टायर फ्रांस की धरती पे, और ट्रेन की टनल की जर्नी पूरी हो गई। लगभग 50 किलोमीटर की जर्नी थी वो, 3 टनल है एक्चुअली, 2 टनल है ट्रेनों के लिए और बीच का टनल है सर्विस टनल, जो कि इनके सभी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे यूज़ करके रेस्क्यू किया जा सके। और पहला एक्सपीरियंस है लाइफ का ऐसे, और पहली बार लैंड बॉर्डर क्रॉस किया है मैंने, जो कि सबसे शानदार। लाइक कुछ नहीं पूछा किसी ने, क्यों आए हो, किस लिए, पासपोर्ट लेके गए, स्टैंप लगाया और वापस लाके दे दिया। बहुत सही लगा मुझे, बहुत ही सही लगा, और इवन मैंने होटल बुकिंग भी नहीं कर रखी थी, अगर ये लोग कह देते कि होटल बुकिंग दिखाओ तो मुझे करके दिखानी पड़ती, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा क्या पैसे हैं, इंश्योरेंस है कि नहीं है। इंश्योरेंस मैंडेटरी है शेंगेन जोन के लिए, लेकिन रिकमेंड करता हूँ जिस भी कंट्री में आप जाएं, इंश्योरेंस तो ट्रैवल इंश्योरेंस तो लेके ही चले, आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा, और इमिग्रेशन क्लियर करने में भी बहुत इजी रहेगा। पूछते नहीं है, अगर पूछ लेते हैं तो अगर आप दिखा देंगे तो आपकी एंट्री इजीली हो जाएगी, और नज़ारे बड़े अच्छे हैं फ्रांस के। बेल्जियम में बस का स्टॉप था और अभी पूरी बस जैम पैक्ड है। लगभग 2 घंटे लगेंगे यहाँ से रोटरडैम पहुँचने में, और वहाँ पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। रोटरडैम पहुँचते ही मुझे हॉस्टल में चेक इन करना है, रेस्ट करना है,
फिर अगले दिन देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। सर एक दिन है रोटरडम में, तो एक दिन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या करने वाला हूँ वो मुझे भी नहीं पता, वहाँ जाने के बाद में पता चलेगा। तो अभी बस का सफ़र बहुत सही से जा रहा है, बहुत अच्छी बस है और बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि नज़ारे देखने को मिल रहे हैं बस में आपको, साइड में रोड्स पे खेत वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, और ब्रसेल्स फ्री में देख लिया वो अलग बात है। सो हॉस्टल में मैंने चेक इन कर लिया है, हॉस्टल मुझे पड़ा तकरीबन 1500 रुपये इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट। एक्चुअली रोटरडम में बहुत चीपेस्ट ऑप्शन नहीं है रहने के लिए, स्टे करने के लिए हॉस्टल्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, एम्स्टर्डम में बहुत चीपर मिल जाएंगे। और ये 14 बेड का ये रूम मिला है मुझे, इसमें ये मेरा बेड है, तकरीबन 1500 रुपये इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, जो कि ठीक है क्योंकि नीदरलैंड्स भी एक चीप कंट्री नहीं है, एक्सपेंसिव है। और सुबह देखते हैं क्या क्या मैं कर पाता हूँ, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर पाता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। हमेशा खुश रहिए और आबाद रहिए, हंसते रहिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कुछ बुरा लगे तो कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।